बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ये दो डिवाइसेस है ना, ये जनरली यूज होती हैं, एक का नाम है वोल्ट मीटर और एक दूसरे का नाम है एमीटर, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, आप लोग लिखना चाहें अपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखो ये दो डिवाइसेस अलग अलग हैं, इनका काम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये है वोल्ट मीटर और ये है एमीटर, मतलब ये किसी चीज़ को मेजर करता होगा एंड ये किसी और चीज़ को मेजर करता होगा, है ना। मीटर आ रहा है लास्ट में, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप देखोगे कि ये क्या है वोल्ट, बाद में मीटर लिखा हुआ है, तो वोल्ट बेटा किसको बोलते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट होता है एक तरीके से। तो बेसिकली ये क्या काम करता है वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये किसको मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, कौन, वोल्ट मीटर। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किस पॉइंट का होगा, दो पॉइंट के बीच का होगा, तो दो पॉइंट के बीच का क्या ये मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये बेटा एमीटर है, ठीक है ना। तो एमीटर देखो ए एम, इसको ऐसे पढ़ सकते हो एम्पियर, क्या पढ़ सकते हो, एम्पियर पढ़ सकते हो, एम्पियर मतलब करंट। तो बेसिकली एमीटर जो डिवाइस है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है करंट, क्या मेजर करता है, करंट, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है, एंड वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो मैं एक सर्किट बना देता हूँ, ये R है और ये यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, जिसका V वोल्टेज है मान लो, ठीक है ना। अब मुझे अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मतलब किसकी हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, इसको वोल्ट मीटर को बेटा ऐसे लगाते हैं, बेटा वोल्ट मीटर को ऐसे V से दिखा देते हैं, किससे दिखा देते हैं, V से। तो हम बोल सकते हैं कि जिस रेजिस्टेंस, बेटा पोटेंशियल जो डिफरेंस निकालना होगा वो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना होगा, एक या एक से अधिक रेजिस्टेंस है ना दो पॉइंट के बीच में। तो हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, मतलब ये अगर रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे, ये वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो यही सर्किट होता, इसमें अगर मुझे करंट मेजर करना होता, क्या मेजर करना होता, करंट अगर मेजर करना होता है, तो जो बेटा ये याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हम दिखाते हैं इससे, इस तरीके से ना, और एमीटर को दिखाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये डिवाइस है, इसका सिंबल है एक तरीके से, आपने पढ़ भी रखा होगा इसका सिंबल, है ना। मैंने नहीं बताया है क्योंकि बुक्स में दिया रहता है सिंबल का अपना, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, आप देख सकते हो। तो इसको अगर इसमें आर रेजिस्टेंस में करंट कितना है अगर ये मेजर करना होगा, तो हम एमीटर इसमें किस में लगाते हैं बेटा, ऐसे लगा देते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है ये पैरेलल में लगता है, किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, और जो एमीटर होता है वो किस में लगता है, सीरीज में लगता है। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि वोल्ट मीटर लगता है, कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, एंड एमीटर सीरीज में लगता है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन की। तो दोनों ही एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है ना, उसकी हेल्प से इसको हम फॉर्म करते हैं, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल जी से। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। तो अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर का बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा काम का नहीं है तुम्हारे, फिर भी पढ़ लो। अगर मैं इसको गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ देंगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में। अगर हम गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दें आर एस, इसको संट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संट। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही, और ये बेटा इसका जो वैल्यू होता है ये बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमीटर में, इस तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है, क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है, ठीक है ना। कैसे, यहाँ से बेटा जब करंट जाएगा, आपको पता है कि करंट उस पाथ को चूज करता है जिस पाथ में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, बहुत ही हाई, मतलब इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का, तो इधर करंट डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इधर ही करंट पूरा जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर
इसका रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट होता तो बेटा इधर भी करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा तो इससे करंट चेंज हो जाएगा, और करंट चेंज हो जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट है रियल में आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्फानाइट, आइडियल, ठीक है ना। अब देखो, क्लियर है यहाँ तक? मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी। अमीटर का देख लेते हैं। अमीटर में क्या होता है, इसका अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर चेंज कर देगा तो इस सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा, और करंट चेंज हो जाएगा तो ये रिजल्ट क्या देगा? गलत देगा। इसलिए हम संट को पैरेलल में जोड़ते हैं। आपने देखा होगा मिनिमम, जितना आप मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ोगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या आता है? कम आता है। इसीलिए हम संट को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल बहुत कम आ जाएगा, नेग्लिजिबल। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ें। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं, ये इसका सिंबल है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। एमीटर का सिंबल ये है, ठीक है ना। सर्किट में इसको ऐसे दिखाते हैं, ये पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, है ना, और ये एमीटर होता है वो सीरीज में लगता है। ये लिख लीजिएगा आप लैंग्वेज में, ठीक है ना। कन्वर्जन इसका कैसे होता है, एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है, अगर उसमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और अमीटर में क्या करेंगे, अमीटर के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम संट जोड़ते हैं। संट मतलब बहुत ही लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में, ठीक है ना। अब मैंने बात की कि आइडियल वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होगा और आइडियल एमीटर का बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इतने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए आप, ये सारी चीज़ें आप लैंग्वेज में लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब बेटा इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, वैसे पता ही है आपको, है ना। देखो ये मैंने लिखा हुआ जरूर और करके, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा सिंबल में इसका कुछ सेल सिंबल कुछ और होता है, इसका सिंबल कुछ और होता है। इसका आपने सिंबल पढ़ा होगा ऐसा करके, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा इसका सिंबल, और इसका सिंबल पढ़ा होगा आपने ऐसे करके। इस तरीके से पढ़ा होगा ना, तो ये बैटरी का सिंबल है और ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये छोटे यूनिट्स में बहुत सारी दिख रही होंगी। तो बेसिकली क्या है कि जो बैटरी होता है वो बहुत सारी सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है। किससे बनती है? बैटरी के बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? बैटरी बनती है, ठीक है ना। बोल देते हैं, जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक सेल वाला ही सिंबल दिखाते हैं, ये वाला नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन में खैर यही दिया रहता है बैटरी का, लेकिन हम लोग जनरली ये बना देते हैं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मतलब क्यों बार बार उसको बनाओ, ठीक है ना। अब देखो, अब होता क्या है कि देखो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, नहीं समझे? रेजिस्टेंस तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो वैसे ही बैटरी में भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? बैटरी में रेजिस्टेंस होता है, और उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो होता क्या है, दो प्रकार की बैटरी होती है बेटा। एक होती है आपका रियल बैटरी, एक होती है आइडियल बैटरी। क्या होती है? आइडियल बैटरी, ठीक है ना। रियल बैटरी मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और आइडियल मतलब जो आइडियली एग्जिस्ट करती है ना, आइडियली बोल सकते हैं उसको। तो रियल बैटरी होगा तो उसमें तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, नहीं समझे? तो उसको मैं ऐसे कुछ दिखाते हैं। ये मान लो बेटा ऐसे ई दिखा देते हैं, इसको ई बोल दो, कुछ बोल दो, है ना। इसका ई मैं मान लो ई वी बोल दो, कुछ नहीं वी बोल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आर दिखा देते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या है? आर है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी होता है, एंड इसका आइडियली जो होता है, आइडियल का हम रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे दिखा दो आप। तो बोल सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी होता है वो हम क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं, ठीक है बेटा। इतना ही है
रियल बैटरी होती है उसका इंटरनेशनल होता है, और जो आइडल बैटरी उसका इंटरनेशनल क्या होता है, जीरो होता है। और इस तरीके से इसको सिंबलाइज करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा और इस। बेटा अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, ये क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं, हाँ पहले बात कर लेते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है ना, क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। अब देखो हमारे पास दो टाइप की बैटरी होती है, एक हमारे पास होता है आइडियल बैटरी एंड एक होता है रियल बैटरी। दोनों ही के केस में अलग अलग क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो देखो जो आपका रियल में बात कर लूँ, आइडियल बात करूँ अगर मैं, तो आइडियल ये होगा। आइडियल में क्या होगा बेटा, आइडियल में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मान लेता हूँ वी वोल्टेज है, और जो रियल वाला होगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना, वी मान लो और ये आर मान लो, है ना, ये बैटरी कम होगा। इसका टर्मिनल बेटा कौन सा होगा बैटरी, देखो ये इधर होगा और इधर होगा, मतलब टर्मिनल ये पॉइंट के बीच में ही रेजिस्टेंस आएगा और बैटरी आएगा, और इसमें ऐसे मान लो आप कोई, है ना, इसके अक्रॉस। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी आएगा वो वोल्टेज के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि इधर का मान लो यहाँ का जीरो मान के चलते हैं अपन, इधर का वी वोल्टेज मान के चलते हैं, तो इधर का भी जीरो होगा और इधर का भी क्या होगा, वी होगा, क्यों, क्योंकि इधर बीच में ना तो रेजिस्टेंस पड़ा ना कुछ पड़ा, तो खर्च नहीं होगा ना। तो इसमें रियल बैटरी के केस में लिख लो आप, ये रियल नहीं, ये आइडियल बैटरी है, ये है इन द केस ऑफ आइडियल बैटरी, ठीक है, ये है इन द केस ऑफ रियल बैटरी, ठीक है। तो इसमें जो होगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी वो बेसिकली आ जाएगा किसके बराबर, इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर आ जाएगा, है ना, क्लियर है, वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो आएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जो बैटरी आएगा वो आएगा क्या, एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई सर्किट बना होगा, इसमें करंट आई निकलेगा, नहीं समझे बेटा, ये तो कन्फर्म है कि इधर का वी होगा यहाँ का जीरो होगा, लेकिन जो दूसरा एंड आएगा वो इसके बाहर आएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये जीरो हुआ होगा, इधर से बी वोल्टेज चला होगा, तो यहाँ तक कुछ बचा रहा होगा, कुछ बचा रहा होगा कितना, जितना इसके अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना। तो इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल कुछ ना कुछ बचा रहा होगा, वो कितना बचा रहा होगा, अगर बेटा इधर जीरो है और इधर का पोटेंशियल मान लो वी है, क्या है, वी है, वी मान लो कुछ भी मान लो आप, तो ये इधर का कितना आएगा वोल्टेज, आई आर आएगा, क्या आएगा, आई आर आएगा। तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसके अक्रॉस, इस बैटरी के अक्रॉस जिसमें रेजिस्टेंस भी अंदर होगा, वो होगा वी माइनस आई आर, आई आर है ना, आर क्या है, आर ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है ना। और ये आई है, आई क्या है, आई है आपका बैटरी से कितना करंट निकलेगा, है ना, ड्रॉन करंट ड्रॉन बाई बैटरी, ठीक है ना, ये वो आएगा आपका। तो ये आप याद रखिएगा, आइडियल के केस में सिंपल वोल्टेज के और आ जाता है, एंड रियल के केस में ये आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, ये आपको सर्किट गिवन है, इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड इस बैटरी से करंट कितना निकलेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, देखो ये किस में दिया हुआ है, पैरेलल, एंड ये तीनों किस में दिए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा ये पैरेलल में दिया है और ये पैरेलल में दिया हुआ है, तो ये पूरा किस में है, सीरीज में, दिख गया होगा आपको एकदम डायरेक्टली। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ इक्विवेलेंट, तो ये कुछ ऐसे आएगा, इस टाइप का बन जाएगा, मतलब ये जो होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, इसको R2 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, और इन तीनों का इक्विवेलेंट मान लो R3 होगा, क्या होगा, R3 होगा, और ये मान लो A पॉइंट और ये मान लो B पॉइंट, तो मुझे क्या निकालना, RAB क्या होगा, इस सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है ना। तो R2 आएगा 1/R2 इक्वल टू 1/10 + 1/40, LCM आएगा
एलसीएम आएगा 40, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 1, 5/40 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो R2 आएगा बेटा वो आएगा कितना, 8 ओम आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं R3 की, तो R3 कैसे निकालेंगे। R3 बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे इसको पैरेलल के फॉर्म में निकाले हैं वैसे ही उसको निकालेंगे। इसको इसमें 2 रेजिस्टेंस है, इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 1/R3 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। यहाँ से 2 + 3 + 1, 3 × 5 = 6, 6/60 बेटा ये 10 बार जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। ये 1/R3 इक्वल टू 1/10 आया, तो यहाँ से R3 कितना जाएगा, R3 आपका जाएगा 10, कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है ये 8 आ गया और ये 10 आ गया है। अब मुझे अगर RAB निकालना होगा तो ये किस में दिख रहा है आपको, एक ही लाइन में, एक ही वायर में, सीरीज में है। तो जो RAB आएगा वो आ जाएगा आपका R2 + R3, R2 आपका 8 है, R3 10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 18 ओम आएगा, कितना आएगा, 18 ओम आएगा, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये याद रखिएगा। तो पहले का आंसर आया है, टोटल रेजिस्टेंस जो आया है वो आया है 18 ओम, कितना आया है, 18 ओम, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ टोटल करंट इन सर्किट। तो टोटल करंट इन सर्किट होगा VIR इक्विवेलेंट। V क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी है, दैट इज 12, I निकालना है, ये 18 हो जाएगा, तो इसको काट दो 2 and 3 से, तो यहाँ से I कितना जाएगा, 2/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो यही आपके दो आंसर हैं, पहले का आंसर आपका 18 ओम आ जाएगा एंड सेकंड का जो करंट पूछा है जो कि वो आ जाएगा 2/3 एम्पियर, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना बेटा। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको ज़्यादा करवा रहा हूँ कि आप यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इतना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको सर्किट गिवन है, एक बैटरी लगा हुआ है एंड यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो वही हर क्वेश्चन की तरह पहला दिया है टोटल करंट इन सर्किट निकालना है आपको, है ना, करंट इन इज रेजिस्टर निकालना है ना। एंड टोटल सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट बेटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो बात अलग है, लेकिन हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब मुझे टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस पता होगा सर्किट का। तो देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, फिर ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो मैं इसका ऐसे बना देता हूँ इधर, मतलब ए डी के, अगर आर ए डी में बोलूँ तो आर ए डी मतलब पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए और डी पॉइंट, है ना, ए एंड डी पॉइंट। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ए है और ये डी है, जो आर ए डी आएगा वही आपका इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना बेटा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है पैरेलल में, और ये वाला जो है वो 1 ओम है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इन दोनों का मात्र, है ना, पैरेलल में जो कि। तो इसका इसका निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 1/6 + 1/3 पैरेलल में, ऐसे आर मान लो, ऐसे ही जनरल एलसीएम 6 आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3/6, 2 से कट जाएगा 1/2, इसको बेटा रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आर कितना जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, कितना जाएगा, 2 ओम, तो ये आ जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है ना, इन दोनों का। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है डायरेक्ट, इसकी बात करता हूँ मैं, तो इसकी बात करूँगा 1/R इक्वल टू 1/2 + 1/2 दैट इज 2 1 + 1 2/2 1/1, है ना। तो यहाँ से R क्या जाएगा, 1, इसका मतलब है ये कितना जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, क्लियर है। तो मैंने इन दोनों का निकाल लिया, अब मैं टोटल निकालने की बारी है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो टोटल निकालने के लिए बेटा आर ए डी
सिंपली इन तीनों का सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए सम होता है। तो 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, ऐसे ओम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर लिख दो आप, तो 4 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। कितना है? 4 ओम है। अगर 4 ओम है तो टोटल करंट इन सर्किट आएगा ए पार्ट का V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। V कितना बेटा दिया है, 12 वोल्ट दिया है। आई आर कितना, 4। तो I यहाँ से आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज 3 एम्पियर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये किसका आया? ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया। ये बता रहा है कि इस बैटरी से कितना निकलेगा करंट, 3 एम्पियर। कितना निकलेगा? 3 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ से करंट 3 एम्पियर निकलेगा, ठीक है ना। अब इसको मैं साफ कर लेता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, करंट इन ईच रेजिस्टर, मतलब सम में करंट आपको बताना है। तो ये तो पक्की बात है बेटा, यहाँ से 3 एम्पियर चलेगा तो ये भी 3 एम्पियर रहेगा। यहाँ पे डिवाइड होगा, मान लो I1 और I2 में डिवाइड हो गया, नहीं समझे, क्लियर है। फिर ये I1 I2 मिलके यहाँ कितना बन जाएगा, 3 एम्पियर बनेगा, क्योंकि 3 एम्पियर है ना। और फिर 3 एम्पियर यहाँ पे देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली इक्वल करंट डिवाइड होगा। क्या होगा? इक्वल डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर ये 3 एम्पियर यहाँ से पास होगा तो इधर कितना हो जाएगा, 3/2 एम्पियर इधर आएगा और 3/2 एम्पियर इधर आएगा, नहीं समझे। तो इन तीनों रेजिस्टर का तो मैंने आपको निकाल के ऐसे ही बता दिया एकदम सिंपल तरीके से। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हमें जब करंट रेजिस्टर अलग अलग हो तो उसमें करंट कैसे डिवाइड होता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, अच्छा ये बताया, ये पैरेलल में जो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होता है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूं, मान लो इन दोनों के अक्रॉस वी है, क्या है, वी है, तो वी आ जाएगा आपका कितना, मान लो इसमें करंट आई है और I1 × 6 IR कर दिया मैंने, करंट इंटू रेजिस्टर करेंगे तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सेम यहाँ करोगे I2 × 3, पोटेंशियल क्या होगा दोनों का, सेम ही रहेगा। तो इसका भी V आ जाएगा नीचे कितना, I2 × 3, चूँकि इक्वल होंगे तो I1 × 6 इक्वल टू I2 × 3, दो से जाएगा तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा, 2 I1 आ जाएगा, ठीक है ना। और मुझे क्या बताया, मुझे ये बताया कि I1 और I2 का जो सम होगा वो 3 एम्पियर होगा। क्यों? क्योंकि 3 एम्पियर ही तो डिवाइड हो रहा है, अभी कल मैंने बताया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने। तो I1 प्लस I2 मुझे कितना दिया है, 3 एम्पियर दिया हुआ है, क्लियर है बेटा। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंपली आ जाएगा वो। तुम क्या करो, तुम I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 रख दो, 2 I1 रख देंगे, 3 एम्पियर है ना, ये 3 I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो I1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अगर I1 1 एम्पियर आ गया तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। I2 कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो इसमें करंट कितना आएगा, इसमें करंट I1 में आएगा आपका, इसमें 1 एम्पियर आएगा, इसमें 2 एम्पियर आएगा, इसमें 3 एम्पियर आएगा, इसमें 3/2 एम्पियर आएगा, इसमें 3/2 एम्पियर आएगा। सबका मैंने हर रजिस्टर में कितना करंट है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसमें मैं बना देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट आएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अगेन स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए साफ कर रहे हैं इसको। अब बेटा देखो, अब बोल रहा है सी पार्ट में, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, BC एंड CD। बेटा AB मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो VAB आएगा वो I1 × चाहे आप 6 कर दिए, चाहे I2 × 3 कर दीजिए, क्योंकि जो BAB होगा बेटा वो आपका इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अक्रॉस सेम होता है। तो किसी का भी आप करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दीजिए आप, तो मैं इसका कर दे रहा हूँ 1 × 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ VC की, तो VC आ जाएगा I × तो देखो VC में क्या है, करंट 1 एम्पियर एंड नहीं करंट सॉरी 3 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, 1 × 3, दैट इज 3 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें बात कर लेते हैं आप, देखो इसमें दोनों में ही सेम होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट एक तो पैरेलल है, तो
देखो दोनों में ही सेम होगा, जैसे यहाँ पे सेम था वैसे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा वी सी डी का बेटा आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दीजिए आप 3/2 × 2 दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, ठीक है ना। अब हम लोग सर्किट पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग आगे थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये एक कंडक्टर है बेटा, इसमें कंडक्टर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ पे क्या कर रहे होंगे, फ्री मूव कर रहे होंगे। बट अगर एवरेज आप शिफ्ट टोटल ओवरऑल शिफ्टिंग देखोगे तो वो किधर भी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी लगाना पड़ेगा, और बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से, मान लो बैटरी का वी वोल्टेज है, क्या है, बैटरी का वी वोल्टेज है, तो इधर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इधर का वी हो जाएगा, नहीं समझे, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर शिफ्ट करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन किसके हेल्प से शिफ्ट हो रहे हैं, बैटरी के हेल्प से। तो इसका मतलब है कि बैटरी को वर्क करना पड़ रहा होगा ना, बैटरी वर्क करेगा तभी तो ये शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर ये इधर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये इसका एनर्जी यहाँ पे, यहाँ लो पोटेंशियल होगा, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा, है ना। तो ये लो पोटेंशियल से अगर हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लेन देन बैटरी से हो रहा होगा। तो इसका मतलब है बैटरी वर्क करेगा। बैटरी वर्क कैसे करेगा, मान लो ऐसे ही जनरल फॉर्म में कि एक क्यू चार्ज का शिफ्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू चार्ज का शिफ्टिंग हो रहा है बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, क्यू भी आता है ना, ये हम लोग बता चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या आता है आपका, वर्क डन आता है क्यू वी, क्या आता है क्यू वी, क्लियर है। चार्ज इंटू पोटेंशियल अगर आप कर दोगे तो वो आ जाएगा वर्क डन, ठीक है ना, क्लियर है। हमें पता है, अब चूंकि चार्ज के फॉर्म में हमें बात नहीं करना, हमें किसके फॉर्म में बात करना है, हमें बात करना है करंट के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज वैसे चार्ज फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर करंट की बात करेंगे हम। तो करंट और चार्ज में रिलेशन होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आई टी, ई आ जाएगा, ठीक है ना, ई आ जाएगा। इसे बोलते हैं वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है ना। बेटा अगर बैटरी वर्क कर रहा है तो एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रहा है, सर्किट में, या बोल सकते हैं इसको एनर्जी कंज्यूम्ड बाई सर्किट, है ना, ये बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाई सर्किट, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना। और बेटा जो एनर्जी कंज्यूम करता है सर्किट वो हीट होता है, क्या होता है, हीट, एक तरह से लॉस होता है, या हीट डेवलप्ड इन सर्किट, ठीक है ना। तीनों चीज़ समझ लेना आप, ये वर्क डन बाई बैटरी है, है ना, ये एनर्जी कंज्यूम्ड बाई सर्किट है, और ये हीट डेवलप्ड इन सर्किट, सेम, तीनों चीज़ें सेम है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच इक्वल टू वी आई टी भी लिख सकते हो, क्लियर है यहाँ से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं होता है, हीट डेवलप्ड इन सर्किट बोल सकते हैं आप, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई सर्किट बोल सकते हैं आप, या वर्क डन बाई बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब मैं अगर ओम्स लॉ से देखूँ बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, वी की जगह आप आई आर रख देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, एच इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी दैट इज आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से एच आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, क्लियर है। एक तो आपका फार्मूला ये आ गया और एक फार्मूला ये आ गया। अगर हम यहाँ पे मैंने V को सब्सटीट्यूट किया था, अगर मैं I को सब्सटीट्यूट कर दूँ, किसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, I को सब्सटीट्यूट कर दूँ, वैसे यही मेन फार्मूला, आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो ये आपका एक आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा एक और फार्मूला बन सकता है इसमें, आप क्या करिए, इस फार्मूले में और इस ओम्स लॉ के हेल्प से आप आई को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आई को सब्सटीट्यूट क्या करोगे, आई जो आएगा वो आएगा क्या, वी अपॉन आर,
ठीक है ना। तो अगर वी अपॉन आर रखोगे यहाँ पे आई की जगह, तो वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, तो दैट इज आ जाएगा कितना, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, है ना। आपको ये और ये याद रखना है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा। अगर आई और आर दिया है, आई आर टी, टी तो खैर दोनों में जरूरत, तीनों में जरूरत पड़ेगा, आई आर टी, आई आर और टाइम दिया है तो ये करेंगे, वी आर टाइम दिया है तो ये यूज करेंगे, और वी आई टाइम दिया है तो ये यूज करेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि किस फार्मूले को आपको डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है। हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बेटा हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, या फिर हीट लॉस भी बोल सकते हैं। अपन ये तीन फार्मूले पढ़े थे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो आपको पता है कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे, अगर लैंग्वेज में लिखना हो इसको, इलेक्ट्रिक पावर मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आपको याद हो, मैंने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, उसमें जो वर्क डन बाई बैटरी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई सर्किट के बराबर होता है, मतलब सेम ही चीज़ होता है, और हीट लॉस के बराबर होता है। तो दोनों चीज़ सेम ही है, वर्क और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो पावर आ जाएगा आपका, पावर आप लिख सकते हो W अपॉन T, बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब बेटा टाइम से अगर किसी से डिवाइड करते हैं किसी चीज़ में तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेट में, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो H अपॉन T। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पावर का फार्मूला निकालने के लिए सिंपली H का फार्मूला यूज कर लेना है, यहाँ पे पुट कर देना है आपको, ठीक है ना। तो वी आई टी अपॉन टी कर दोगे, या फिर आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर दोगे, है ना, या बी स्क्वायर टी बाई आर टी कर दोगे। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा आपका क्या, वी आई आ सकता है, आई स्क्वायर आर आ सकता है, और वी स्क्वायर बाई आर आ सकता है। ये तीन फार्मूले आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तीन फार्मूले हैं बेटा, पी किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर, इसके बराबर, और इसके बराबर। यही तीन फार्मूले हैं आपको पावर निकालने के लिए, है ना। कौन सा फार्मूला कब यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बेटा थोड़ा ये यूनिट देख लीजिए आप। देखिए हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी की बात करें तो वो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, एनर्जी है। अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर बेटा क्या होगा, पावर का यूनिट निकालने के लिए आप सिंपली क्या होगा, डब्ल्यू या एच दोनों का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। देखो जब भी मैं यूनिट की बात करता हूँ तो ऐसा यूनिट की बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये जो पावर का यूनिट होता है इसको जूल पर सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है इसका यूनिट। और बेटा इसको वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट, है ना, जनरली वाट बोलते हैं, वाट एक साइंटिफिक यूनिट है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पावर हमारा इतना सा है, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।